तो यहाँ पे स्टूडेंट को बनाना है 9 मीटर का घाघरा, जिसमें 3-3 मीटर के ऐसे फैब्रिक के पीसेस लाए हैं वो। तो इसको कैसे फोल्ड करना है, पहले हम इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे इसकी। यानी एक एक पीस में 3 मीटर फैब्रिक है तो 27 कली वाला लहंगा बनेगा वो। तो इस तरह से हमने 3 लेयर बना के फोल्डिंग कर दी है। इस तरह से फोल्डिंग है इसकी। और फोल्ड करने के बाद ये प्रॉपर लेंथ चलेगा। चलेगा, आने दो ना, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर इस तरह डबल फोल्डिंग कर दी, फिर हम मार्किंग चालू करेंगे। तो एक एक फैब्रिक में से, यानी एक 3 मीटर का फैब्रिक है तो उसमें से हमारी कलियां कटेंगी 9 कलियां। किस तरह से कटेगी, यहाँ से 3 कलियां ऑन फोल्ड पे कटेंगी और बाकी जो 6 कलियां हैं वो यहाँ पे से कटने वाली है। तो यानी कि पूरा जो 27 कली वाला लहंगा बनने वाला है तो उसकी मार्किंग कैसे करनी है, चलो देख लेते हैं। सो वेस्ट यहाँ पे 36 इंच की है, तो 36 को हमें डिवाइड करना है हमारी 27 कली से। तो कितना आ रहा है, 1.3, यानी 1.5 इंचेस जितना आ रहा है। तो ये फोल्डिंग साइड पे हम ये 1.5 इंचेस का हाफ ले लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच का आधा मार्क कर देंगे और आधा इंच सिलाई ले लेंगे। नहीं चलेगा, आधा इंच सिलाई का मार्किंग कर दिया। और फिर हम इस तरफ भी सेम चीज़ मार्किंग कर लेंगे और जितना बच रहा है उसका सेंटर पॉइंट लगाएंगे। यहाँ का दिख रहा है, इसका सेंटर पॉइंट लगाएंगे और इस सेंटर पॉइंट पर हमें दूसरी कली का मार्किंग करना है। इस सेंटर पॉइंट से 1.3 इंचेस है टोटल, तो 1.3 का आधा इस मार्किंग से इस तरफ और आधा उस तरफ, यानी 1.5 इंचेस जितना हमें मार्क करना है। फिर हम आधा आधा इंच सिलाई ले लेंगे दोनों तरफ से। अब हमें ये मार्किंग और ये मार्किंग मैच करनी है। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ से हमारी 3 कलियाँ कटेंगी 1, 2, 3 ऑन फोल्ड पे और यहाँ से खुले पे हमारी 6 कलियाँ कटने वाली है। तो यहाँ से आ जाए, यहाँ से इस तरह मैच कर देंगे। फिर इसको इस तरह मैच कर देंगे, इस लास्ट पॉइंट तक मैच कर देना है। यहाँ पे पूरा फ्लेयर ले लेंगे। क्या हुआ, मार्क किया। लेंथ देख ली थी आपने कि कितनी है इसकी, 38-39 चाहिए, इतना ही आना चाहिए, पैर में नहीं आना चाहिए। ये शायद 42 हो गई है ना, ये देख लेते हैं अभी। तो ये टोटल 9 कलियाँ यहाँ पे निकल गई है। ये ले लें, 9 कलियाँ यहाँ पे निकल गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये वाली हमारी फोल्डिंग पे है। ये हमारी फोल्डिंग पे थी, ये खुल गई, तो खुलने के बाद ये निकल गई 3 कलियाँ, 1, 2, 3। तो ऐसे टोटल हमारी एक फैब्रिक में से 9 कलियाँ निकल गई हैं। इस तरह से 27 कली वाला लहंगा या कोई भी कलरफुल वाले लहंगे की कैलकुलेशन करके आप काट सकते हो।